सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। पंचम दुर्गा है स्कंद माता, इनका जाप कृपा बरसाता। पंचम दिन हम इनको ध्याते, मृत्यु पर हम विजय है पाते। जब होता शिव शक्ति मिलन, तब होता है स्कंद का जन्म। कार्तिके ही स्कंद कहलाते, माता कृपा से सब फल पाते। करते हैं इनका ध्यान, पाते सुख शांति का वरदान। विद्या वाहिनी है पंचम दुर्गा, मोक्ष का द्वार की है ऊर्जा। विशुद्धि चक्र में है विराज, कमल पुष्प से मां सुशोभित। स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ होता है, तो स्कंद का जन्म होता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इनकी उपासना से भक्तगण मृत्यु लोक में भी परम शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। देवी का यह रूप ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन साधन का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद माता को विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता स्कंद माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस देवी की चार भुजाएं हैं। यह दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। तो प्रेम से बोली भक्तों, स्कंद माता की जय। खोलती माता मोक्ष का द्वार, सुख शांति की माता धार। स्कंद माता है चतुर्भुजधारी, माँ की छवि अत्यंत प्यारी। प्रथम हाथ स्कंद संहारे, दूजे तीजे में कमल को धारे। चतुर्थ हाथ वर मूत्र बनाए, भक्तों पर माँ दया दिखाए। स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः। करती इच्छा की पूर्ति सारी, रूप सलोना बड़ा मनोहारी। दुर्गा का यह रूप है पंचम, हम सब करते इनको नमन। कृपा से मिलती है सुख शांति, आता जीवन में परम कांति। ममता से भरे है पंच माता, विद्या ज्ञान सब इनसे पाता। स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः। भक्तों, माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की ऐसी मान्यता है कि माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए थे। इसी दौरान तारकासुर और सुर पद्मन नाम के दो राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई नहीं था। तारकासुर और सुर पद्मन नाम के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिव जी की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बनाया हुआ था और अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा था।
इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देख देवतागण भी चिंतित थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु विष्णु जी ने उनकी कोई मदद नहीं की। तो प्रेम से बोले, भक्तों, माँ स्कंद माता की जय। स्कंद माता है दुर्गा अवतार, सिंह पर होती है सवार, चिरकाल की बात बता, स्कंद माता की कथा सुना, किया था सती ने देह का त्याग, तब शिव ने अपनाया था वैराग, छोड़ के सब सांसारिक बंधन, गए तप करने शिव सघन वन। स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः। तब राक्षस ने उत्पात मचाया, कोई भी उनसे बच ना पाया, देवताओं को समझ ना आया, बड़े हैं मुख पे चिंता की छाया, आतंक असुर का बढ़ता जाए, ना कोई उपाय, सब गए विष्णु जी के पास, कहा प्रभु कर दुख का नाश। स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः। भक्तों, विष्णु जी से मदद ना मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर लें और उनके मिलन से महादेव के संतान जन्म लें, जो उन राक्षसों का वध कर सके। इसलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय किया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंपा दिया गया। तो प्रेम से बोलिए, भक्तों, माँ स्कंद माता की जय। तब देव गए नारद के पास, कहा नारद हम आपके दास, आप ही कोई उपाय बताएं, राक्षस से हमें मुक्ति दिलाएं। नारद ने कहा, तब सुनो देवगण, कष्ट हरेंगे कार्तिक भगवान, जब होगा शिव शक्ति मिलन, तब ही होगा स्कंद का जन्म। स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः। पर शिव जी कर रहे हैं ध्यान, उनसे ही होगा गौरी को संतान, पार्वती को तप ही तो वो कहेंगे, तभी शिव उनको वरदान देंगे, किया पार्वती ने तपस्या कठोर, प्रसन्न हुए हैं तब शिव घोर, शिव ने उनसे विवाह किया है, तब स्कंद ने जन्म लिया है। स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः। भक्तों, अग्निदेव भी उसकी गर्भी सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिर में सरवाना झील में ले गए, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सुर पद्मन का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीकों का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारत वर्ष में कई जगह स्थापित है, लेकिन उनमें से एक बहुत प्रचलित उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। तो प्रेम से बोले, भक्तों, माँ स्कंद माता की जय। पार्वती शिव की ऊर्जा से एक बीज का हुआ है जन्म, महाशक्ति के
जन्म है पाया, देवों ने उन्हें सेनापति बनाया। कार्तिक ने असुरों को मिटाया, देवलोक को है उनसे बचाया। कार्तिकी है स्कंद कहलाए, हम सब स्कंद माता को ध्याएं। माता कृपालु शक्ति स्वरूपा, श्रद्धा से करते हैं इनकी पूजा। माता का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताएं नमः, अर्थात ओमकार स्वरूपी स्कंद माता, जो कि अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को क्षण भर में पूर्ण कर देने वाली है। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं हो जाती है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हमें भी स्कंद माता की शरण प्राप्त हो, यही प्रार्थना करना चाहिए। माँ दुर्गा का स्कंद माता अवतार हमें यह सिखाता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चे को अच्छाई की ओर बढ़ाना सिखाती है। यदि कभी जीवन में बुराई का सामना करने के लिए शस्त्र भी उठाने पड़े तो माँ अपना पूरा समर्थन देती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर चीज के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माँ स्कंद माता की जय। ओम देवी स्कंद माताए नमः, माता जी का है मूल मंत्र। विशेष कृपा उन पर होती जो रखते घर में शक्ति अंतर। हम सब करते माँ का वंदन, अति पावन यह रूप है पंचम। माता सारे कष्ट को है हरती, भक्तों पर अपनी कृपा है करती। चतुर्भुज है। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में यह षडानन बाल रूप स्कंद को पकड़े रहती है और ऊपर वाली बाईं भुजा से आशीर्वाद देती है। नीचे वाली दोनों भुजाओं में माता ने कमल पुष्प धारण किया हुआ है। इनका वाहन सिंह है। इस रूप को पद्मासना नाम से भी जाना जाता है। वात्सल्य विग्रह होने के कारण माता के इस रूप में कोई शस्त्र नहीं होता। इस दिन माता की पूजा करने के बाद केले का भोग अर्पण करने से परिवार में सुख शांति आती है। नवरात्रि के पांचवें दिन घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। गंगा जल से शुद्धिकरण करने के पश्चात एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालकर और उसे चौकी पर रखना चाहिए। तब पूजा का संकल्प लेकर स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाकर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। धूप दीप से माँ की आरती उतारकर घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटना चाहिए। स्कंद माता को सफेद रंग पसंद है, इसलिए आप सफेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। इनकी पूजा का मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्विया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माँ स्कंद माता की जय। स्कंद माता है चतुर्भुज धारी, श्वेत वर्ण और सिंह है सवारी। दाएं हाथ में स्कंद षडानन, वात्सल्य रूप माँ है पद्मासन। माँ को करे केले का अर्पण, तन मन धन सर्वस्व समर्पण। नैवेद्यम का हम भोग लगाए, स्कंद माता की कृपा को पाए। स्कंद माता नमो नमः, स्कंद माता।
श्वेत वस्त्र माता को भाए, पंचम स्वरूप का ध्यान लगाए, स्कंद माता की छवि